बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसविंदर और आप देख रहे हैं कुछ नया सीखें यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और आरोग्य मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, और साथ में जानेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे आस पास कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना संक्रमित कोई इंसान है अपने मोबाइल के ज़रिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें थोड़ा सा समय निकाल करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अपनी एक सीधी सी सरल आसान भाषा में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी जैसा एक रोग है जो कि एक दूसरे को छूने से फैलता है, और जब एक दूसरे के संपर्क में लोग आते हैं तो वो लोग भी संक्रमित हो जाते हैं और ये कोरोना वायरस आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, और आज बढ़ते बढ़ते भारत ही नहीं कई ऐसे देश हैं जहाँ पर कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। इसी वजह से दोस्तों डॉक्टरों का कहना है कि अगर इसको रोका जा सकता है तो बस इसका यही इलाज है कि लोगों को दूरी बनाए रखें आपस में, और एक दूसरे से ना मिलें, ना हाथ मिलाएं, और ना ही एक दूसरे से संपर्क में आएं। तो इसका यही इलाज है कि इसको रोका जा सकता है। इसी वजह से आज हमारा भारत ही नहीं कई ऐसे सारे देश हैं जो कि आज लॉकडाउन हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस एक चीन से आया हुआ वायरस है, और अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं बताई जा रही है। इससे बचने का बस यही एक तरीका है कि आप अपने घर में रहें, और अगर ज़्यादा ही कुछ काम हो तो ही बाहर निकलें, वो भी पूरी सावधानी के साथ अपने मुंह को ढककर निकलें और अपने हाथों को भी हो सके तो ढक लें। अगर आप कुछ सामान खरीद लेके आते हैं तो उस सामान अगर वो धोने लायक है तो उसे ज़रूर धोएं, जैसे सब्जियाँ, दूध का पैकेट, और अपने हाथों को भी साबुन से अच्छी तरीके से 15 से 20 सेकंड तक ज़रूर धोएं। और दोस्तों बाहर निकलने के टाइम इतना याद रखें कि अगर कहीं ज़्यादा भीड़ वाली जगह है तो वहाँ पे आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे इसका फैलने का चांस ज़्यादा होता है। हमेशा अपने मुंह को ढक के रखें और 1 से 1.5 मीटर की दूरी सभी से बनाए रखें। अगर दोस्तों आपको ये कभी महसूस हो, जैसे कि आपको हल्का बुखार, खांसी, सर्दी, जुखाम, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़, अगर ये सभी आपको आपके शरीर में लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क ज़रूर करें, या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे कोरोना ऐड के ऊपर क्लिक करें, आप वहां से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि अगर हमारे आसपास कहीं आस पड़ोस में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है यानी कोरोना संक्रमित है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो सरकार ने यहाँ पे सबके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जो कि हमें ये बताएगा कि आपके आसपास कितने लोग संक्रमित हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका नाम है आरोग्य सेतु, आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें लॉगिन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर में पहुंच जाओगे, या फिर आप प्ले स्टोर में भी इसे सर्च कर सकते हैं आरोग्य सेतु के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 MB से भी कम का ये एप्लीकेशन है जो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, और इसे हम इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद में आपको इसे ओपन करना है। चलिए अब इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ मैसेज शो होगा, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये एप्लीकेशन किस बारे में है, और आपको इसको स्लाइड करते जाना है। स्लाइड करने के बाद में यहाँ पर रजिस्टर करने पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने पर आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपको इसकी पढ़ लेनी है, उसके बाद में यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने हिंदी में कर रखा है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं सहमत हूँ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मोबाइल लोकेशन का जो ये परमिशन मांगेगा, और ब्लूटूथ की परमिशन मांगेगा, और अपने डेटा शेयरिंग की परमिशन मांगेगा। तो आप इसे पढ़ लीजिए और यहाँ पर
अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद में सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक इसमें सबमिट हो जाएगा, उसके बाद में ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे अपना पहले लिंक सेलेक्ट कर लेना है, जो कि पुरुष मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और नीचे अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, और फिर उसके बाद आपको अपनी उम्र डालनी होगी नीचे। तो मैं पहले यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ, जो कि मेरा पूरा नाम है, तो जसपेंद्र सिंह परमार, यहाँ पे मैंने ये पूरा नाम डाल दिया। और यहाँ पे हम अपनी आयु डालेंगे, तो यहाँ पे मैं अपनी उम्र डाल देता हूँ 36। तो अरे ये क्या हुआ, तो यहाँ पे डालेंगे 36 यानी 36। और यहाँ पे आपका जो व्यवसाय वो पूछा जाएगा कि आपकी कोई दुकान है या आप कोई व्यापारी हैं, या फिर आप यहाँ पे आप जो भी आप हैं वो चुन लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप इनमें से कोई भी नहीं है नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर आपने 30 दिनों के अंदर कोई यात्रा की है तो आप हमें बताइए। तो मैंने यहाँ पे नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे नॉन पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद में सबमिट कर देना है। और यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आप सुरक्षित हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल हुआ कि इसको कैसे पता कि मैं सुरक्षित हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लूटूथ का और जो लोकेशन का ऑप्शन इसने परमिशन इसीलिए ली थी ताकि ये आपको देख सके और आपको डिटेक्ट कर सकते कि आप किस एरिया में हैं। तो उस एरिया के हिसाब से ही आपको बता देगा कि उस एरिया में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनकी हेल्पलाइन नंबर है, और यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो कि अभी हम देंगे, और यहाँ पे आप नीचे इनकी जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि COVID-19 के बारे में जानकारी, क्या करें क्या ना करें, और COVID-19 के बारे में सुरक्षा के उपाय। इस तरीके से आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे सभी शो होते जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्विटर का कुछ पोस्ट यहाँ पे आ गया है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम अपनी डिटेल डालेंगे, और आपको भी यहाँ पे डालनी है। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी जो डिटेल पूछेगा, आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर डालनी है। अब देखिए डिटेल डालने से क्या होगा, डिटेल डालने से ये होगा कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे हमें हेल्प की जाएगी, और जो हमारा डेटा है वो भी सरकार तक पहुँचेगा कि मतलब कितने लोग सेफ हैं और कितने लोग संक्रमित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेटा इकट्ठा होता है, और हमको सबको अपनी डिटेल डालनी चाहिए ताकि हमें भी यहाँ से हेल्प हो सके अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है लिंक का, तो यहाँ पर महिला या पुरुष, मेल फीमेल यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर पुरुष के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अब आपको यहाँ पर अपनी जो उम्र होती है वो डालनी है। तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर डालते जाइए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 36 और नेक्स्ट पर क्लिक किया। और यहाँ पर आपको खांसी बुखार सांस लेने में दिक्कत या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर खांसी है तो खांसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए, बुखार है तो बुखार के ऊपर। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और इसे सबमिट करते जाइए। तो यहाँ से मैं इसमें से कुछ भी नहीं पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपकी अगर आपको कोई बीमारी है तो यहाँ से आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं इसमें से कोई भी नहीं के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेशी यात्रा की है, हाँ या ना पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने की है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर दीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है। तो यहाँ पे हाल ही में जैसे कि आप के आसपास कोई COVID-19 पॉजिटिव अगर आपने कोई मिला था या आप उससे मिले थे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपने जैसे कोई डॉक्टर हो आप, तो आपने किसी का इलाज किया है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा मैसेज आ गया, यहाँ पे लिखा है आपका संक्रमण का जोखिम कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसे सबमिट कर सकते हैं, और लास्ट में यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिए।
अब दोस्तों आप कभी भी अपना मोबाइल लेके बाहर जाओगे तो आपको यहाँ पे एक अलार्म बजेगा आपके मोबाइल में। अगर आपके पास आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित रोगी है तो आपका मोबाइल एक अलार्म यानी एक बेल बजेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन इसीलिए है जो कि आसपास कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो यहाँ पे ये ब्लूटूथ के द्वारा अलार्म बजा देता है। और दोस्तों अगर आपने आज इसको अपनी डिटेल यहाँ पे डाली है, अगर बाद में एक दिन या दो दिन या चार दस दिन बाद अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे फिर टेस्ट अगेन पे क्लिक करके आप अपनी यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ शेयर ज़रूर कीजिए भाई, इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है प्लीज़। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज को लाइक करके और यहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए, देखते रहिए, कुछ नया सीखें। जय हिंद, वंदे मातरम।